एक सेल्स क्लोजर होने पर जो खुशी होती है वो एक सेल्स प्रोफेशनल ही समझ सकता है. एवरी सेल्स विन इज अ बिग रीजन ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवरी सेल्स प्रोफेशनल. और उसके बाद क्या होता है, आप या तो अपने टारगेट के पास पहुंच जाते हैं या आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं. पर कितनी बार कर पाते हैं दोस्तों, 10 में से कितनी बार आप सेल्स को जल्दी क्लोज कर पाते हैं? हार्डली 1 या 2 बार. ज़्यादातर बार आप नहीं कर पाते हैं. 5 बार अटेम्प्ट करना पड़ता है तब जाके आप सेल्स क्लोज कर पाते हैं. एक रिसर्च कहती है, एक शॉकिंग रिसर्च कहती है दोस्तों, कि 5वें अटेम्प्ट के बाद 44% लोग उन कस्टमर्स पर काम करना छोड़ देते हैं जिन पर वो काम कर रहे होते हैं. तो दोस्तों, अगर आपको ये पता चल जाए कि एक सेल्स डील को कैसे फास्टर क्लोज करते हैं तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा. तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आपके लिए वो 5 तरीके लेके आऊँ. वो मैंने 5 तरीके बनाए हैं आपके लिए जिससे कि आप एक सेल्स डील को जल्दी क्लोज कर पाएंगे. इसमें पहला तरीका है दोस्तों, आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर. चाहे जिस भी इंडस्ट्री में आप हों, चाहे किसी भी कंपनी में आप हों, अगर आपका प्रोडक्ट बिकना है तो आपका डिसीजन मेकर आपके सामने बैठा होना चाहिए. तो कोशिश करें कि मीटिंग में डिसीजन मेकर हो. चाहे कंज्यूमर कोई भी हो, वो डिसीजन मेकर है जो फाइनली डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट खरीदा जाएगा या नहीं. तो आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर. दूसरा तरीका है, बी जेन्युइन. देखिए दोस्तों, सेल्स की बात है और सेल्स वालों को ज़्यादातर लोग पुशी समझते हैं. तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी मैनिपुलेटिव ना हो, कैलकुलेटिव ना अपीयर हो. अगर ऐसा होगा तो कस्टमर को आप पर विश्वास नहीं होगा. पर अगर आप जेन्युइन दिखेंगे तो कस्टमर आप पर जल्दी विश्वास कर लेगा. क्योंकि दोस्तों, सेल्स इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड जो तरीका है दोस्तों, क्रिएट एन अर्जेंसी इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. कस्टमर को एक लालच दीजिए कि वो कमिटमेंट करे कि वो जल्दी क्लोज करे. जैसे कि आप उसको एक फ्रीबी या डिस्काउंट दे सकते हैं जिससे कि वो लालच में आएगा और शायद कमिट करेगा कि उसे खरीदना है, जल्दी खरीदना है. इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जल्दी सेल्स क्लोज कराना चाहते हैं. इसका मतलब ये होता है कि आप उसको एक वैल्यू क्या दे रहे हैं उस पैकेज में, उस सेल में आप क्या वैल्यू दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फोर्थ जो तरीका है दोस्तों, वो है ओवरकम ऑब्जेक्शंस. आप सेल्स कॉल पे जाने से पहले अपना पूरा होमवर्क करके जाएं. क्योंकि कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में कुछ पता नहीं है. जो भी तरीके हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, उनके सारे आंसर्स लिख कर नहीं तो कम से कम मेंटली प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल अपीयर हों कस्टमर के सामने. पांचवा जो तरीका है दोस्तों, वो ये है कि आप अपने कंपटीशन के बारे में जानें. नो योर कंपटीशन. अपनी कंपनी के बारे में तो सब जानते हैं, दूसरे कंपनीज के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको बहुत मदद करता है. वो एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम करता है. बहुत बार दूसरी कंपनीज की जो कमजोरी होती हैं वो आपके प्रोडक्ट के फीचर में शायद एक स्ट्रेंथ होती है. तो अगर आप उसको उजागर करेंगे तो वो एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम करेगा और आपकी सेल्स क्लोज जल्दी होगी. तो दोस्तों, अगर आप ये 5 तरीके अपनाएंगे तो आप अपनी सेल्स डील को जल्दी क्लोज कर पाएंगे. तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आप मेरे चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको लगातार ये वीडियोस मिलती रहें. आगे बहुत जल्दी मैं सेल्स टेक्निक हैक्स के बाद टाइम मैनेजमेंट हैक्स की वीडियोस भी लाने वाला हूं. तो मेरे साथ बने रहिए. मिलते हैं एक और वीडियो में नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए धन्यवाद. टेक केयर. बाय बाय.